नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार अब धीरे धीरे स्मार्ट होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश को हाल ही में एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है, जो कि पीएम मोदी ने दी, जिसके बाद से ही बिहार में भी एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर सवाल जवाब होने लगे थे, जिसके बाद ही बिहार में पहले एक्सप्रेसवे का ऐलान पथ निर्माण मंत्री ने किया था, जो कि बिहार सरकार की तरफ से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पटना कोलकाता के बीच होने वाला है। वहीं इसी बीच अब बिहार में दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण होने वाला है। जानकारों की माने तो यह नया एक्सप्रेसवे रक्सौल से हल्दिया के बीच बनाया जाएगा। जल्द ही इस एक्सप्रेसवे को लेकर डीपीआर तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जानकारों का यह भी कहना है कि रक्सौल से हल्दिया तक बनने वाले यह एक्सप्रेसवे 6 से 8 लेन का हो सकता है। माना जा रहा है कि बिहार के इस दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले साल से शुरू होगा, जो कि लगभग 695 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके निर्माण पर 54,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इसके निर्माण को पूरा करने के लिए सरकार ने साल 2024-25 तक का समय रखा है। अब तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार यह एक्सप्रेसवे बिहार के करीब 9 जिलों से होकर गुजरने वाली है। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका जिला शामिल है, जिसके बाद यह एक्सप्रेसवे झारखंड में प्रवेश कर सरायाहाट, नौनीहाट और दुमका के पश्चिम बंगाल के पानागढ़ से हल्दिया पोर्ट तक चलाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीन फील्ड होगा और इसमें बीच में चढ़ने की कोई सुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट रक्सौल से दिघवारा आकर प्रस्तावित पटना रिंग रोड से जुड़कर कच्ची दरगाह बिद्दुपुर से होकर पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे में जुड़ेगा। इसके बाद यह बांका से होते हुए सरैयाहाट, नोनीहाट और दुमका से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ से हल्दिया तक जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।